जम्मू कश्मीर में पहला मामला जो है वो आइस ड्रग का सामने आया है और इसका नाम जो है वो मिथोफिटामिन जो है वो बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे के खिलाफ जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मुहिम छेड़ी है वॉर ऑन ड्रग्स, जिसके तहत कल ज़िला कठुआ में एक मामला पेश आया जिसमें जो है वो मिथोफिटामिन नामक एक नया ड्रग्स है जो कि जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुका है। इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़िला पुलिस को लगती है, जिसके बाद SSP कठुआ शोभित सक्सेना के दिशा निर्देश अनुसार जो है वो अंडर सुपरविज़न ऑफ DYSP हेडक्वार्टर के तहत एक टीम का गठन किया जाता है जो कि उसको SHO कठुआ अजय सिंह चीफ लीड करते हैं, जिसके बाद वो एक इंटर स्टेट दो ड्रग पेडलर्स को जो है वो गिरफ्तार करते हैं। आपको बता दूं कि एक जराई के नज़दीक एक नाका लगाया होता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस को कि दो इंटर स्टेट ड्रग पेडलर जो है 200 ग्राम चिट्टे के साथ जो है वो जम्मू कश्मीर में एंटर हुए हैं और वो इस नशे की खेप को जो है वो कहीं पर ले जा रहे हैं, जिसके बाद दो इंटर स्टेट ड्रग पेडलर्स को जो है वो ज़िला पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है और एक बड़ी कामयाबी जो है वो ज़िला पुलिस को मिलती है। आपको बता दूं कि SSP कठुआ शोभित सक्सेना ने बताया कि ये तस्कर नशे की जो है वो तस्करी कर रहे थे, जिनकी इन्फॉर्मेशन हमें मिली और उसके बाद नाका लगाकर इन दोनों इंटर स्टेट ड्रग पेडलर को जो है वो पकड़ लिया गया है। आपको बता दें ये जो दोनों इंटर स्टेट ड्रग पेडलर थे ये जो है वो दिल्ली के रहने वाले थे और आपको बता दूं कि ये आइस ड्रग थी जो कि जम्मू कश्मीर में पहला मामला इसका सामने आया है आइस ड्रग का, और ये जो है वो मिथोफिटामिन जो है इसका नाम बताया जा रहा है और एक बड़ी बात, एक बड़ी कामयाबी जो है वो ज़िला पुलिस को मिली है। हालांकि शोभित सक्सेना ने यह भी बताया है कि इसकी जो जांच में जो है वो पुलिस जुट चुकी है, इसका पता लगाया जा रहा है कि ये कहां से ड्रग्स आई थी और किसके तक ये जो है ये जाने वाली थी, ये दोनों जो है वो किसको सप्लाई करने वाले थे, पूरी चेन को जो है वो तोड़ा जाएगा, इसके तह तक जो है वो जाया जाएगा। फिलहाल की ये बड़ी खबर, दो इंटर स्टेट ड्रग पेडलर को जो है वो ज़िला पुलिस ने पकड़ लिया है और जम्मू कश्मीर में पहला मामला जो है वो आइस ड्रग का सामने आया है और इसका नाम जो है वो मिथोफिटामिन जो है वो बताया जा रहा है। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स के लिए।